अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है अंडा घोटाला। और अंडा घोटाला वो डिश है जो आमतौर पे जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए होते हैं, तो हम सुपर हाईवे पे होटल्स पे रुक के खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हम अंडा घोटाला ज़रूर खाते हैं, ज़रूर लेते हैं, और बहुत डिलीशियस और यमी रेसिपी होती है। वैसे ही घरों में भी आमतौर पे बनाई जाती है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी ये बना रही हूँ ये बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करूँगी और बनाऊँगी जैसे होटल के अंडा घोटाला का टेस्ट होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने लिए हैं इंग्रेडिएंट्स, 4 अदद अंडे, 2 टमाटर मैंने काट लिए हैं दरमियाने साइज के, 2 अदद बड़ी प्याज मैंने ली हैं, और मैंने ली हैं सूखी हुई हरी मिर्चें जिनका कलर लाल हो गया है सूख के। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं सूखी हुई हरी मिर्चें, और ये मैंने ज़रा मोटी मोटी काट ली हैं। और मसालों में मैंने लिए हैं 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले मैं अंडों में ये सूखी हुई हरी मिर्चें डाल के और फेंट लूंगी। अंडे फेंटने के बाद फिर मैं ऑयल डालूंगी पैन में, और उसके बाद मैं प्याज को अधकच्ची पका लूंगी। ये देखिए पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा पका लूंगी। प्याज जब थोड़ी सी पक जाएगी तो इसमें हम जीरा डालेंगे ताकि जीरा भी फ्राई हो जाए, और उसके बाद फिर इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और जीरा जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा प्याज के साथ तो फिर इसमें टमाटर भी डालेंगे साथ में। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी 2 अदद जो मैंने काटे थे, और इसके साथ ही तमाम मसाले भी डाल दूंगी। अब ये अच्छी तरह से मिक्स होंगे, तो मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। प्याज और जीरे में मैंने टमाटर और मसाले डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब ये 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे पकेंगे, और उसके बाद इसमें मैं फिटे हुए अंडे डाल दूंगी जिनमें ऑलरेडी मैंने सूखी हुई हरी मिर्चें डाली हुई हैं। टमाटर और प्याज अच्छी तरह पक गए हैं और इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है, अब मैं इनमें 4 फिटे हुए अंडे डालूंगी। अच्छा, इससे पहले कि ये यहीं पे पक जाए मैं इसको अच्छी तरह फैला भी लूंगी और इसमें चमचा भी चलाऊंगी इस तरह से, क्योंकि ये अंडा घोटाला है। घोटाला यानी अच्छी तरह मिक्स हुआ हुआ पका हुआ, इसको हमें 1 पीस में ही निकालना है। तो ये 7-7 चमचा चलता रहेगा और अंडा पकता रहेगा और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा इसी तरह पकते पकते। इसमें अब चमचा मुस्तकिल चलता रहेगा। तो जब से मैंने अंडा डाला है इसमें मुस्तकिल चमचा चला रही हूं मैं, और अभी ये मजीद 3 से 4 मिनट पकेगा और फिर मैं इसको उतार लूंगी। आप देखें कि इसमें जो सूखी हुई हरी मिर्च मैंने डाली थी उनका रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है, और अगर आप चाहें तो ताज़ा वाली हरी मिर्च भी डाल सकते हैं तो उनमें ग्रीन कलर भी बहुत प्रोमिनेंट होके नजर आएगा डिश में। तो बस
3 से 4 मिनट और मैंने इसको पकाना है और फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी सर्विंग के लिए। स्पाइसी अंडा घोटाला रेडी है और मैं इसका चूल्हा बंद करने जा रही हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं, और आपकी यानी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप हरा धनिया बारीक काट के इसमें डाल के और फिर चूल्हे से उतार दें तो उसमें थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी। और मैं इसको अब सर्विंग के लिए उतार रही हूँ और मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म स्पाइसी अंडा घोटाला रेडी है और इसमें से खूब भाप निकल रही है, और आप इसको चाहें तो गर्म गर्म रोटी के साथ लीजिए, चाहें तो पराठे के साथ लें। वैसे पराठे के साथ इसका टेस्ट जो है वो मज़ा दुबाला हो जाता है, तो मैं तो इसे पराठे के साथ ही लूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, स्पाइसी अंडा घोटाला, और आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट ज़रूर करेंगे ताकि आपको मेरी हर रेसिपी वक्त पर मिलती रहे। जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।